हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की बेशुमार नियमत और उसके नाम तो कुछ कुरान अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हम एक हेल्दी सैलड की रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और इंतहाई इफ़ेक्टिव सेहत के हवाले से भी है। और अब तो खैर से रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और रमज़ानुल मुबारक में भी ये रेसिपी हमें काफ़ी सपोर्ट करेगी, जिन पर भूखा रहने की वजह से वो कुछ मैदा जो है वो हीटअप भी हो जाता है। तो इसमें जो भी हम खाना खाएंगे तो उसके साथ थोड़ा से हम कोलेस्ट्रॉल सैलड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह हमें बहुत फ़ायदा होगा और बहुत हमें सपोर्ट मिलेगी। इसके लिए हमने एक बाउल हमने लिया है, इसमें इस तरह ग्रेट की हुई गाजर वगैरह हमने ली हैं और हाफ प्याली हमने मायोनीज की ली है और 2 टेबल स्पून इसमें से हम आइसिंग शुगर लेंगे। जिसके पास आइसिंग शुगर ना हो वो दूसरी चीनी जो है वो पीस के 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकता है। और ये वाइट पेपर हमारे पास है यानी सफ़ेद मिर्च, ये भी अगर ना हो तो फिर आप काली मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। और 2 बॉल हमारे पास इस तरह बारीक बारीक कटिंग की हुई ये बंद गोभी है, ये 2 टेबल स्पून हमारे पास है जी ये दूध, और 1/2 टीस्पून इसमें हमने लिया है जी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च और 1/3 टीस्पून इसमें हमने लिया है जी नमक। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी अपनी ये अच्छा सा मायोनीज का बैटर। तो इसको करते हैं जी इस बाउल में शामिल, इसमें ये 2 टेबल स्पून हमारे पास ये दूध है, ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा रनिंग पोजीशन में करना है और ना ज़्यादा थिक करना है, बस इस तरह हो जाए कि आसानी से इसकी कोटिंग हो जाए हमारे जो हमारे पास ये वेजिटेबल हैं। इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह एक स्मूथी सा पेस्ट हम इसका बना लेंगे। इसमें शामिल करते हैं जी वाइट मिर्च, 1/3 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और इस पेस्ट में शामिल करेंगे जी 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, चलिए पेस्ट हमारी होगी रेडी। अब जी बाकी वेजिटेबल्स को डालते हैं जी इस बॉल में और करते हैं जी मिक्स। अब इसमें ये शामिल करते हैं ये जो पेस्ट हमने बना के रखी है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें जी अच्छी सी लुक के साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल सैलड हो गया रेडी। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में शिफ्ट करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।